देखो हमने गिनती में तो नहीं बता सकते, लेकिन जहाँ भी हम गए हैं पूरा समर्थन है हमारे लिए। और जैसा कि सब देख भी रहे हैं, 34 डेज से हम बैठे हैं, तो महिलाओं का, बेटियों का पूरे देश से बहुत समर्थन आ रहा है हमारे लिए। पुलिस से परमिशन मिली है और अगर इन केस नहीं मिलती है तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, कहां तक आपको मौका मिलेगा वहां तक जाने का? देखो जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया है कि वो किसी भी बल का प्रयोग करते हैं, आंसू के गोले या पानी, तो हम शांतिपूर्वक चलते रहेंगे और हमारा जो मकसद है वो नई संसद के सामने महिला महापंचायत करेंगे। सवाल, चूंकि सिचुएशन 28 तारीख की बहुत हाईली सेंसिटिव एरिया है, वो बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी है पार्लियामेंट का, तो वही दिन शायद इसलिए आप लोगों ने चुना कि सरकार सुन सकेगी। वो हमारे बड़े बुजुर्ग और सबने ये फैसला लिया था और वो हमारे अच्छे बुरे के बारे में सब जानते हैं, तो उन्होंने 28 का फैसला लिया और हम उस पर। ये हमारी कॉल नहीं है, ये जो हमारी खाप पंचायत और किसान संगठन है ये उनकी कॉल है। हमारी कॉल 23 तारीख थी, अभी ये उनकी कॉल है, तो सारा फैसला जो है इस कॉल का वही करेंगे, वही इसका संचालन करेंगे, हम सिर्फ अपनी ओर से उनका सहयोग करेंगे। एक सवाल है, जी देखिए, काफी ज्यादा संख्या में जो किसान संगठन और खाप पंचायत और सभी जो महिलाएं भी बहुत ज्यादा आएंगी, और उसके हिसाब से जो वो यहीं पे अपनी जहां तक भी वो पहुंचे संसद के सामने अपनी संसद चलाएंगी, वरना जो भी संसद होगी उसी में जो आगे की रूपरेखा और फैसला लिया जाएगा।